सो गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी मैं फिलहाल उठ गया हूँ सोके, और यहाँ पे टाइम हो चुका है अभी 11:30। बाहर स्नोफॉल बहुत हल्की हो रही थी, तो जो प्रेडिक्शन था उस हिसाब से थोड़ी बहुत हो गई आज। अभी फिलहाल बैठा हूँ अमित भाई के साथ उनके होम स्टे पे, और हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। सामान सारा फैल गया है, वो सारा डेटा वेटा का सामान सारा मेरा उधर पड़ा हुआ है, वो मेरा सैडल बैग पड़ा हुआ है जिससे मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि मेरा जो कांड हुआ है कल मेरे साथ वो मैं तुमको दिखाई चुका हूँ। तो अभी का प्लान फिलहाल यही है कि अभी आज निकलूँगा, की मॉनेस्ट्री जाऊँगा, और उसके बाद सोचता हूँ क्या करना है, आज रुकना है या फिर आज निकलना है वापस ताबो के लिए। तो वो आने के बाद डिसाइड करूँगा वहाँ से। अभी देखते हैं कैसा स्टेटस रहता है ऊपर जाने का, नॉट श्योर कि कैमरा चलेंगे नहीं चलेंगे, कल तो डेड हो गए थे सारे रात को शाम के टाइम। अभी तो होपफुली नहीं होने चाहिए क्योंकि सुबह का टाइम है, तो अभी साथ दे देना चाहिए कैमरों का, बाकी देखते हैं क्या रहता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाहर बाइक का हाल दिखाता हूँ। बाय बाय, पराठे खा लो। सो मैं फाइनली निकल रहा हूँ की मॉनेस्ट्री के लिए, अपने साथ सिर्फ मैं टांग बैग कैरी कर रहा हूँ अभी, बिकॉज सीन ये है कि क्या कहते हैं, अभी मेरा श्योर नहीं है कि मैं यहाँ पे रुकूँगा या मैं आके जाऊँगा। बाहर का नज़ारा देख लो, वो खड़ी मेरी ड्यूक, होटल मंडारा जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, अमित भाई बहुत ही मस्त बंदे, वो खड़ी सामने उनकी खड़ी जिप्सी। तो बस अभी निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं की मॉनेस्ट्री, देखते हैं क्या सीन रहता है रास्ते का, दिखाते हैं रास्ता और मिलते हैं आगे। बाय बाय, स्विचिंग टू माई हेलमेट कैमरा। मैं जा रहा हूँ फ्यूल डलवाने, और वहीं से रास्ता निकलेगा की मॉनेस्ट्री का, तो चलते हैं फ्यूल डलवाते हैं, उसके बाद आगे की दौड़ लगाते हैं। यहाँ पे तो फिलहाल पूरा रास्ता साफ लग रहा है, और आगे देखो क्या स्टेटस मिलता है अपने को। की मॉनेस्ट्री चढ़ते वक्त तो आई एम श्योर कि मुझे अच्छी खासी बर्फ मिलेगी। लेट्स सी, वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप। ₹99.99 भाई, इतने भारी भारी सैंडल बैग में इसलिए ढोके लेके आया हूँ, यहाँ के लिए अलग पजामा है, ताबू मॉनेस्ट्री के लिए अलग पजामा है। स्टे ट्यून। इस बार एक चीज नोट करिए कि इस बार जो स्नो की क्लियरेंस है ना रोड से, वो साथ साथ होती जा रही है, मतलब ज़्यादा डिले नहीं कर रहे हैं इसमें रोड ब्लॉक रहने में। तो मे बी वो रीज़न हो सकता है कि इस टाइम पे बिल्कुल भी रोड पे स्नो नहीं मिल रही अपने को, पर सामने का व्यू देखो कितना अमेजिंग आ रहा है, देख रहे हो, चार्ज पे लगा लिया, सब करके देख लिया, और पता नहीं क्या लोचा हो रहा है, ठंड ज़्यादा है शायद से इसलिए जल्दी डेड हो जा रहा है। आज अगर मेरी ड्यूक गिरी तो चोट मेरी ड्यूक को लग जाएगी यार, क्योंकि आज सैडल बैग्स नहीं है। तो कल तो बाइक जो गिर रही थी वो सैडल बैग के ऊपर गिर रही थी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, थोड़ा संभल के। ओए नो 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 स्लिपिंग प्लीज। क्या ये ऑफ ही नहीं हो रही? ऑफ ही नहीं हो रही। ये ब्रिज ब्लॉक कर देगा, पहले इसको न्यूट्रल करके ना इधर खिसका दो साइड में। साला रेंटल गाड़ियों का ना ये भजूड़ी रहती है, कुछ नहीं बताता ना क्या नाटक अंदर चलेगा इसके। अपनी ले जाओ सबसे बढ़िया होता है। इसका वीडियो बना लिया था ना, भेज दो उनको, जूम कर वालों को अभी भेज दो, क्योंकि बाद में कुछ और फसल होगी ना तो फिर वो आप पे डाल देंगे सारा। यार मेरा बहुत गंदा कटा है, पता है मेरा जो ये हेलमेट काम, मैंने गोप्रो काम ही नहीं कर रहा, मैंने चार्ज पे लगा दिया तो भी काम नहीं कर रहा है। बट फिलहाल मैं की मॉनेस्ट्री पहुंचने वाला हूँ यहाँ पे, कि यहाँ से की मॉनेस्ट्री रहेगी खाली 2 किलोमीटर, और वो देखोगे अगर सामने तो देख लो फर्स्ट व्यू ऑफ की मॉनेस्ट्री। यहाँ पर रोड क्लियर है, पर पीछे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक आइस थी। अभी मैं वापस जाऊँगा तो मैं इस पर शॉर्ट क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। तो मिलते हैं थोड़ा सा और आगे। सो गाइस, आई एम अबाउट टू रीच की मॉनेस्ट्री, वो रही ऊपर मॉनेस्ट्री, और बस कुछ थोड़ा सा और
चढ़ाई चढ़नी अपने को और फिर हम पहुंच जाएंगे कि मॉनेस्ट्री। सो गाइस यू नो एक्साइटमेंट क्या होता है ये होता है मैं फाइनली की मॉनेस्ट्री पहुंचने वाला हूं, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा डिस्टेंस और, एंड जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो फाइनली मैंने अचीव कर लिए। सामने व्यू देखो, मैं बता नहीं सकता मैं क्या फील कर रहा हूँ इस टाइम पे, बट इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी। रोड क्लियर भी थी और ब्लैक आइस भी थी। धीरे धीरे फर्स्ट सेकेंड गियर एंड फाइनली आई एम हियर। मिलते हैं थोड़ा सा और आगे, करते हैं आगे चल के बात। सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा। नाउ लेट मी टेल यू कि मैं आया क्यों था, फिर चलते हैं मॉनेस्ट्री को, मॉनेस्ट्री दिखाता हूँ मैं आपको। अब सीन क्या है यार, जो हम प्रेयर फ्लैग्स लगाते हैं वो अमेजोन पे भी मिलता है। तो मैंने अपनी बाइक पे जब प्रेयर फ्लैग्स लगाए थे तो मेरा प्लान तो यही था कि जब मैं ले एंड स्पीति आ जाऊँगा उसके बाद मैं लगाऊँगा। मेरे को शो ऑफ नहीं करना था लगा के, बट मेरे पास स्पीति के लाए हुए दो फ्लैग्स पड़े हुए थे, लद्दाख के लाए हुए सॉरी, तो मैंने उनको लगा लिया था अपनी बाइक पे। बट जिस दिन मैंने अपना वो फ्लैग बाइक पे लगाया था ना, उस दिन से मेरे अंदर ना जब भी वो फ्लैग्स देखता था अंदर वो चीज़ आती थी कि यार मैं लेके नहीं गया हूँ, मैंने फ्लैग्स लगा लिए हैं। आई डोंट नो कौन कौन इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा, बट मुझे हमेशा से होता कि मुझे बाइक अपनी की मॉनेस्ट्री लेके जानी है और मैं फाइनली आ गया। मैं की मॉनेस्ट्री की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। लास्ट में जब मैं अपनी सूजी से आया था तो आई वाज लाइक कुछ चीज़ हमेशा की वर्क रहनी चाहिए। की मॉनेस्ट्री में लास्ट टाइम नहीं जा पाया था, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू की मॉनेस्ट्री। जिले बाइक से देखो आप ऐसे घुमाओ अपनी तरफ, आप बोलो जो बोलना आपको। हाँ जी भैया, आप कहाँ से आए? उत्तराखंड से। अच्छा, की मॉनेस्ट्री स्पेशल आपको इसमें दिख रहा होगा अपना। हाँ, मेरे और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखिए वो दिख रहे हैं है ना। तो ये जो भैया बोलेंगे सारा रिकॉर्ड होता रहेगा। की मॉनेस्ट्री स्पेशल आया की अकेला आया। ठंड नहीं लग रहा आपको? लगता है ना थोड़ा। कपड़ा भी तो बहुत हल्का हल्का लगा रहा है। अब देखिए, अब जैसे सपोज करिए आपको मेरी तरफ देख के बोलना है, तो आप कैमरे को घुमा दीजिए ऐसे करके। तो अब ये मेरी तरफ आ गया, अब आपको दिख रहा होगा पीछे है ना। अब ये मेरी तरफ आ गया कैमरा, अब ये मेरे को रिकॉर्ड करेगा, जो आप बोलोगे मेरे को रिकॉर्ड होगा। आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी पर फ्रेम में मैं रिकॉर्ड होऊंगा। तो ये ऐसे चलता है सारा। अच्छा सामने वो नीचे की विलेज एंड व्यूज देखो कितना प्यारा आ रहा है यार, अमेजिंग। कैमरा अंदर अलाउड नहीं है तो मैं अंदर यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। परमिशन लेके मैंने रिकॉर्ड किया है चीज़। ये जो जो ब्लैक बोर्ड में जो लिखा हुआ है ना 3 अगस्त 2000, हाँ जी, ये उस वक्त इस न्यू प्रेयर हॉल जो बने हुए यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ था। ओके महामहिम त्राई लामा जी के द्वारा। ओके जिन्होंने यहाँ पर आके इस मंदिर की उद्घाटन की, उसके बाद यहाँ पर जो हमारे काला चक्र जो एक पूजा होता है, पूजा पाठ सबसे बड़ी जो काला चक्र के बारे में जो पूजा पाठ होती है वो हुआ। उसके बाद अगर हम ओल्ड टेम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो ये नीचे जो फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर में जो मंदिर है ये बहुत ही पुराना है, जो कि उस वक्त 10th सेंचुरी में बने हुए ये, और जो मणि रत्न जो वहाँ दिख रहे हैं वो दोनों उसी दौर के हैं, बहुत पुराने हैं, 10th सेंचुरी में। और जो ऊपर को जो माला जो बने हुए हैं ये 14th सेंचुरी में बना हुआ है। ओके क्योंकि उससे पहले जो ये मंदिर हुआ करते होंगे वो होते होंगे रंगरिक विलेज में। ओके तो वो डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर 14th सेंचुरी में इस मंदिर की नींव रखी गई, जो कि ब्रह्म तंबा द्वारा यहाँ पर वो आप यहाँ थोड़ा देख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक की मनुष्य के बारे में दर्शाया गया हुआ है। तो ये जो ऊपर का माला बना हुआ है वो शायद लगभग अभी 700 साल बन चुके हैं, 700 साल हो चुके हैं। ओके और जो नीचे वाले जो फ्लोर थे वो तो बहुत हज़ारों साल पुराने हैं, ठीक है ना। और ये तो बाद में बने हुए हैं प्रेयर हॉल। तो आप लोग यहाँ नीचे आपने ज़मीनें देखी होंगी, नीचे बहुत बड़ी ज़मीन है यहाँ पे। यहाँ से उस वक्त 2000 से पहले ये सारी जो ज़मीन थी
ये सोच जो जमीन दिख रहे हैं आप लोगों को ना, हाँ जी, ये सारे बंजर थे बिल्कुल ही, इसमें कुछ नहीं उगता था उस वक्त। वो जो वहाँ पे गड्ढा सा रखा है वो क्या है? वो गड्ढा तो बीच में जो पानी आ गया ना, फिर ये अच्छा ये बन चुका है। ओके, तो ये जो छोटे 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 घर दिख रहे हैं ये सारे, हाँ, ये हाँ, सारे बाद में बने हुए हैं, खेती बाड़ी भी बाद में बने हुए हैं। सन 2000 में जब यहाँ कला चक्र का पूजा पाठ हुआ था, हाँ जी, तो सारे जो शरणार्थी थे वो सारे वहीं पर टेंट लगा के बैठते वहाँ पर। ओके, वो जमीन पे। उसके बाद दलाई लामा जी ने हमें ये समझाया, लोगों को ये दिशा दिखाया कि यहाँ पर उपजाऊ लेके आओ। तो सन 2001 से फिर यहाँ पर उपजाऊ करना शुरू हुए। ओके, अब यहाँ पर मटर, जौ, गेहूँ, आलू, कई सारे बीज यहाँ पर उगते हैं। अच्छा, तो जब आप अगली बार आएंगे जून जुलाई में तो ये सारे हरियाली दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो इसकी झलक आप देखेंगे तो वहाँ पर एक दीवार में जो पिक्स लगे हुए हैं वहाँ पर मनस्वी के, तो ये उनकी जून जुलाई के। यहाँ पर आपको वो जो सामने वाला एरिया था वो ये रहा, जहाँ की पूरा ग्रीनरी आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे सारी बहुत बहुत चीजें उगती हैं। एंड की मॉनेस्ट्री का व्यू। थैंक यू सो मच, हम जरूर आएंगे दोबारा। ये जो व्यू किसे घुमाते हैं अगर इसके बारे में पता चाहिए तो ना, व्यू को हमेशा आप अगर वहाँ से आ रहे होंगे तो आपने ऐसे घुमा दिया, आप वापस जा रहे होंगे तो भी ऐसे घुमा देंगे। क्योंकि ये जो मंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि इसके अंदर पूरा मंत्र भरे हुए है ना, जैसे ओम यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम यूँ घुमा देंगे तो ओम उल्टा हो जाएगा। अब ठीक है ना, इस तरह घुमाएंगे तो पूरा जो मंत्र है वो सही तरीके से आएंगे। ओम मा नी पद मे हूँ, ऐसे घुमा सकते हैं। ओके, ठीक है ना, तो ये जितना भी छोटे बड़े जितने सारे व्यू दिखेंगे ना, इन सब प्रदर्शन इसी में घुमाना होता है आपको। ओके, ठीक है ना। तो गाइस, एक 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 कॉमन गलती बताता हूँ, जब हम लोग वहाँ से हमने एंट्री करी थी और जब हम आते हैं तो हम लाइक फोटो वीडियोस के चक्कर में ना इसको ऐसे घुमाते हैं, लाइक हम लोग आज चलते हुए ऐसे हाथ लगा के इसको घुमाते हुए आते हैं, जो कि गलत है। आपको उसको उल्टा ऐसे घुमाना होता है, ऊपर मार्किंग्स कर रखी है, तो वो ध्यान मैंने भी नहीं दिया था, मैं भी ऐसे घुमाते हुए गया था, बट वो गलत है। आपको हमेशा इसको ऐसे घुमाना है, लाइक ऐसे घुमाना है। और मैंने जो वीडियो में आपको कहा था ना कि कुछ चीज़ हमेशा अगली बार के लिए रहनी चाहिए, अंदर जो मॉन्क ने भी ये बात बोली कि कुछ चीज़ हमेशा अगली बार के लिए रहनी चाहिए। सो मिलते हैं बाइक पे और स्विचिंग टू हेलमेट कैम। एक तो यार यहाँ के कुत्ते इतने कितने क्यूट है ना, इतने इनोसेंटली बैठ जाते थे ठंड में भी, हमें बस किसी को खिलाने को कुछ भी नहीं मिले, इतना बुरा लग रहा है। फिर मैंने ना वहाँ पर जिप्सी से आए हुए उनको बोला इनको खिलाने के लिए। दिस स्ट्रगल इज रियल। अब अपने को वापस निकलना है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। तो फिलहाल विजिट अगेन, जरूर आऊंगा मैं दोबारा, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। इट्स नॉट दैट इजी, रोड पे पूरी ब्लैक आइस है, बहुत पतली पतली ट्रेल्स हैं, तो डाउनहिल जाने में भयंकर फिसल रही थी ड्यूक, तो मैंने फिलहाल बीच में आ गया हूँ और अब मैं इसमें चल रहा हूँ, ये जो बीच वाली स्नो है। तो पता नहीं हमारी टाइमिंग्स क्यों ख़राब रहती है हमेशा, सुबह निकला था काजा से की मॉनेस्ट्री के लिए और वापस आते थे अंधेरा हो चुका है, बट स्टिल ये व्यू देखो कितना प्यारा है। और ये खड़ी मेरी ड्यूक, तो यहाँ से काजा रह गया 3 किलोमीटर, तो बस फटाफट काजा पहुँचते हैं, कुछ खाते पीते हैं क्योंकि बहुत ठंड लग रही है यार, अब शाम के टाइम बहुत ठंडा हो जाता है। चलो मिलते हैं होम स्टे पे। यो, सो अगर आप लोग विंटर्स पे दिखाने आ रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, कहीं कहीं पर हर जगह आपको वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे, रनिंग वॉशरूम्स, सो आपको यूज़ करना पड़ेगा ड्राई टॉयलेट। यहाँ पर आप अपने पैर रखो, करो जो करोगे वो सीधे नीचे जाएगा, एंड देन ये यहाँ पर बुरादा पड़ा होता है उसको उठा के उसके ऊपर डाल दो,
ये होते हैं ड्राई टॉयलेट्स।